हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, सुनिए। देखिए बेटा, विषय संस्कृत। आज हम शीर्षक लेके आए धातु। धातु यानी क्या होता है? हिंदी क्रियाएं। आप सभी जानते हो कि हम जब सुबह जागते हैं और सोते हैं, अनेक सारी क्रियाएं। मैंने आप सामने बहुत ही सरलता से V1 से लेकर V5 तक, यानी V1 टू V5 तक मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से आपको ये सभी वीडियो समझाए थे, जिससे मैंने आपको भाषा, वर्ण विचार, लकार, काल और पुरुष, ये मैंने समझाए थे। हम आज का वीडियो लेके आए हैं, वो हम लाए धातु। धातु का व्याकरण, जो हमारी संस्कृत जो व्याकरण है, इस संस्कृत व्याकरण में धातुओं का विशेष महत्व है। धातु यानी क्रियाएं। देखो बेटा, धातुएं जो होती हैं, वो हमारे संस्कृत व्याकरण में विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी वाक्य बनाना आसान नहीं होता है। तो आज हम ये वीडियो लेके आए हैं कि आप सभी हिंदी में जानते हैं कि हंसना, चलना, रोना, पीना, खाना, पढ़ना, देखना, सुनना, समझना, मारना, पीटना, रोना, हंसना, ये सभी हम सभी क्रियाएं करते हैं। तो ये क्रियाएं को हम हिंदी में जानते हैं, लेकिन संस्कृत में इनको क्या कहते हैं और किस प्रकार के धातु रूप होते हैं, इनका हम आज अध्ययन करेंगे, ताकि आपको ये आभास हो जाए, आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि हमें संस्कृत के अंतर्गत भी इन धातुओं का ज्ञान पूर्ण रूप से है। तो हम बात करते हैं। देखो बेटा, मैंने यहां इस धातुओं को तीन भागों में बांट दिया है, और लगभग मैंने 1 से लेकर लास्ट हमारा क्या है, 36 तो 36 धातु मैंने यहां लिखी है। तो ये 36 धातुएं उनमें से है जो हमारे संस्कृत ग्रामर के अंदर, संस्कृत व्याकरण में रोजाना के कार्यों में कार्य आती है या काम आती है। चाहे हम पुस्तक पढ़ रहे हो, पाठ पढ़ते हैं, तो पाठ के अंतर्गत भी जब वो कहानी होती है या उसमें श्लोक होता है या उसमें नाटक यानी नाट्यांश होता है, तो उनमें जब वाक्य आते हैं संस्कृत के, उनका जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं, हिंदी अनुवाद कॉपी में लिखते हैं, याद करते हैं, तो हमें कई तरह की समस्याएं आती है, क्योंकि हमें वहां पर क्रियाओं का अर्थ ही नहीं आता। तो ये जब आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, तो आप आसानी से किसी भी संस्कृत के वाक्य का हिंदी में अनुवाद करने में सरलता महसूस करोगे। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ध्यान सुनते हैं, ताकि आपको पूर्ण रूप से हिंदी अर्थ लिखने में कोई समस्या ना हो। तो सुनिए, पढ़। आप सभी जानते हो पढ़ना, पढ़ना रोजाना का है, क्योंकि हमसे सभी, हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी जी, चाचा चाची जी, हमारे सभी गुरुजन, हम सबसे दिन भर यही कहते हैं कि बेटा पढ़ो, पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ना सबसे अच्छी आदत है, और पढ़कर उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लेना, ये और भी अच्छी आदत है। तो देखो बेटा, पढ़ने धातु क्या होती है? पढ़। जब भी हम पढ़ने के अर्थ आएगा तो वहां पठ मिलेगा, यानी कि पठती, पठत, पठंती, धातु रूप चलता है इसका। तो पठ का अर्थ क्या होगा बेटा? पढ़ना। इसके बाद हमारा दूसरा क्या आता है? लिख। जब पढ़ते हैं तो ही लिख पाते हैं, हमने पढ़ लिया, हमें याद हो गया, तो हम बिना देखे उसको आसानी से लिख लेते हैं। इसके बाद में वद। वद यानी होता है बोलना। इसके बाद अगला देखें क, ख, य।
क्या होता है? कहना। तो जब बोलने के लिए बात करते तो आएगा वद, और कहने की बात करें तो कथय। अगला आता है धाव। धाव देखो बेटा, धाव का अर्थ क्या होता है? दौड़ना। दौड़ने के वाक्य आते हैं कई बार, तो हमें जब भी धाव ध्यान होगा दिखे तो उसका अर्थ क्या समझना है कि यहाँ पर दौड़ने का वाक्य बनने वाला है। इसके बाद सबसे अच्छा काम हमारा, जो हम हमेशा करना चाहते हैं, हमेशा करते हैं और सबसे अधिक प्रसिद्ध है, हमें पसंद भी है, वो क्या है? खाना। इस संसार में सबसे सरल कार्य को हम कौन सा मानते हैं? खाना, जिसके लिए हम कभी मना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? खाद। खाद का क्या होता है? खाना। इसके बाद हम अगला देखते हैं क्रीड। ये भी बहुत पसंद है हमको, खेलना। बच्चा छोटा होता है तो उसकी दो ही चीज जरूरी होती है, एक तो वो खाना अधिक पसंद करता है और दूसरा क्या होता है? खेलना पसंद करता है। तो क्रीड, क्रीड यानी क्या होता है? खेलना। इसके बाद मारय, क्या लिखा हुआ है? मारय, मारे। मारे का क्या होता है? मारना। और इसके बाद है ताड़य, ताड़िए। ताड़िए का क्या होता है? पीटना। आप सोच रहे हो कि मारना और पीटना तो एक ही बात हो गई? नहीं जी, मारना और पीटना एक बात कभी नहीं होती है, ध्यान सुने। यहां मारने से मतलब है उसका जीवन समाप्त कर देना, उसकी जीवन लीला का विनाश कर देना, ये होता है मारना। और पीटना क्या होता है? आप सभी जानते हैं बेटा, जब आप घर पर अध्ययन नहीं करते हो या घर पर आप शैतानी कर रहे होते हो तो आपके माता पिता आपको डांट लगाते हैं, पीट देते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, इस तरह की डांटें आती हैं पीटने के अंदर। तब समझ में आ गया होगा मारना पीटना अलग अलग कैसे है। अगला आता है सज्ज। सज्ज यानी होता है तैयार होना। देखो बेटा, हम कहीं भी आते हैं तैयार होते हैं, घर वाले कहते हैं फटाफट तैयार हो जाओ, पार्टी में चलना है, तो हम कहते हैं संस्कृत में आप शीघ्रता से सज्ज हो जाओ। सज्ज यानी होता है तैयार हो। इसके बाद चल। चल यानी चलना। इसके बाद आता है लभ। लभ यानी होता है प्राप्त करना। अब देखो हमारे दूसरे भाग के अंतर्गत हमारा 13वां जो नंबर है वो है भू। तत्व क्या होती है? भू। अब यहां पर तो देखा सिर्फ एक एक लिखे हुए थे, लेकिन यहां पर जो क्या है, अधिकतर दो दो भी है। तो दो दो जब यहां होते हैं इस प्रकार, तो यानी कि एक भाग काम आता है भविष्य काल के अंतर्गत। जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा भविष्य काल भूतकाल में काम आता है। जब लकार काल पढ़े थे मैंने समझाया था कि लिट लकार भविष्य काल, जिसका चिन्ह क्या था? गा गे गी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसके बाद में तो ध्यान रखना आपको वहां पर कि जिसमें शुरू वाला होता है वो हमेशा भविष्य काल में काम आता है, और जो ब्रैकेट में होता है वो बाकी जो चार है कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, आज्ञार्थक और चाहिया, जिन्हें संस्कृत में लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार कहते हैं। तो भू, इसका प्रयोग होता है घव से, इसका होता है होना। इसके बाद धातु होती है गम और रूप चलते हैं गच्छ से, जिसका अर्थ होता है जाना। इसी में यदि हम आ उपसर्ग लगा दें, यानी गम से आगे क्या लगा दें? आ, तो आ उपसर्ग लिखते ही गम में आ लगाए तो आगम और गच्छ में आ लगाए तो आगच्छ, तो इसका अर्थ होता है आना। गम यानी जाना और आगम लिख दिया तो आना। इसके बाद में है नी। नी यानी इसका प्रयोग होता है नए के लिए, तो नए यानी होता है ले जाना। क्या होता है? ले जाना। इसके बाद स्था। स्था और आगे लिखा है तिष्ठ, इसका अर्थ होता है बैठना। दृश्य, रूप चलते पश्य से, इसका अर्थ होता है देखना। और ये लगाया था स्टार्टिंग वाला, हमेशा शुरुआत जो होता है भविष्य काल में चलता है
और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये बाकी चार में चलता है। तो दृश्य यानी पश्य अर्थ होता है देखना, फिर होता है श्रु, श्रु यानी होता है सुनना, इसके बाद में गई, रूप चलते हैं गाय से जिसका होता है गाना, अगला आता है बाईसवा नृत, रूप चलते हैं नृत्य से जिसका होता है नाचना, इसके बाद में पत, पत यानी होता है गिरना, और इसी में उत्त प्लस पत होता है तो होता है उड़ना। तीसरे भाग की हम बात करते हैं, पच्चीसवा उत्त प्लस स्था, इसका अर्थ होता है उठना, ठीक है, स्था से बनता है तिष्ठ, और उत्त और तिष्ठ मिलकर बनते हैं उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति का अर्थ होता है उठना। शी, शी का प्रयोग होता है शेते, इस प्रकार प्रयोग होता है, तो शी का हिंदी अर्थ है सोना, जो कि हम सोते हैं स्लीप वाला, गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना स्लीप यानी शी यानी सोना। तर, तरे होता है तैरना, जैसे कि कोई सरोवर में तालाब में वो तैरता चाहे बतख हो चाहे व्यक्ति हो तो प्रयोग करता है तर का, तरे होता है तैरना। स्नेह, स्नेह यानी होता है प्रेम करना, जुगुप्स, जुगुप्स यानी होता है घृणा करना, रुच, रुच यानी होता है पसंद होना, किसी को वस्तु पसंद होती है तो वहां प्रयोग होता है रुच, जिसका प्रयोग होता है रोज के द्वारा। निर प्लस वार्य, नि क्या है उपसर्ग और वार्य धातु है, तो नि प्लस वार्य यानी होता है हटाना। हस, हंसना, रुद, रोना, क्री, धातु क्री होते हुए चलता है कर से, करोति, कुरुते, कुर्वन्ति से चलता है, तो क्री का अर्थ क्या होता है करना। पाठ्य, देखो बेटा पाठ्य में होता है पढ़ना और पाठ्य में होता है पढ़ाना, तो यह पाठ्य अर्थ क्या हुआ है पढ़ाना। और लास्ट हमारे जो इसमें है वो भ्रम, भ्रम यानी क्या होता है घूमना। आप सभी सुबह जल्दी खड़े होकर व्यायाम करते हैं या कह सकते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो जब भी आप कोई गार्डन में घूमने जाते हैं, बगीचे में या किसी और अन्य स्थान पर, आपके आसपास जो भी सुरक्षित जगह है, जो बगीचा है, जो पार्क है, वहां आप करते हो घूमने जाते हो ताकि आपको सुबह ताजी हवा मिल सके, स्वास्थ्य आपका हमेशा सही रहे, इसके लिए करते हो आप घूमते हैं, तो घूमने के लिए क्या धातु होती है भ्रम, भ्रम यानी होता है घूमना। तो बेटा मैंने 36 धातुएं और उनका हिंदी अर्थ लिखाया है, ये सभी मुख्य विशेष है, ये सभी आपको याद होने चाहिए ताकि हम जब हिंदी से संस्कृत बनाए या संस्कृत वाक्य लिखे उनकी हिंदी पढ़े, उनकी हिंदी लिखे तो हमें उनको समझने में आसानी हो। तो इस प्रकार ये जो वीडियो 6 है जो कि शीर्षक क्या है धातु, तो ये आज कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम आगे और इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो आपको बताएंगे, समझाएंगे, तो आप सभी बच्चे निरंतर पढ़ते रहें। ओके बेटा।